हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जोसा 2020 थर्ड सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बारे में। गाइस, जोसा 2020 का थर्ड सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक क्या है, कहाँ से आप जो पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक चीज़ फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर जोसा 2020 का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं जोसा थर्ड काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने के प्रोसेस को। तो गाइस, उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने डायरेक्टली न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है सीट अलॉटमेंट रिलीज। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड सीट अलॉटमेंट हैज बीन रिलीज ऑन 26 अक्टूबर। और थोड़ा नीचे आने पे गाइस, आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन कॉलम दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं सीट अलॉटमेंट रिलीज हो चुका है, लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू अलॉटमेंट रिजल्ट। सो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आप जो है डायरेक्टली इस लिंक पे आप लोगों को जो है क्लिक कर देना होगा। उसी के साथ साथ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं जोसा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी जो है रिलीज हो गया, तो आप जो है यहाँ से ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ से आप डायरेक्टली जो है अपना थर्ड सीट अलॉटमेंट भी चेक कर सकते हैं। तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे चेक करेंगे। लाइक सबसे पहले हम यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग की लिंक पे क्लिक करेंगे, तो आप लोगों के सामने जो है एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को जो है इस तरह का इंटरफेस जो है वो दिखाई देगा। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपको राउंड सेलेक्ट कर लेना है, कौन से राउंड के लिए आप चेक करना चाहते हैं, लाइक थर्ड राउंड के लिए आपको चेक करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने लगे, आपने जो राउंड सेलेक्ट के लिए आपने सबसे पहले, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने की कौन सा इंस्टीट्यूट, यानी कि NIT हो गया या IIT हो गया या फिर ऑल इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट आपको चाहिए वो सेलेक्ट कर लेना है। इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के बाद गाइस, अभी आपको जो इंस्टीट्यूट के जो है नाम सेलेक्ट करने होंगे। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कौन सा इंस्टीट्यूट, लाइक IIT जोधपुर चाहिए, तो आपने सिंपली उसे सेलेक्ट कर लिया। अब IIT जोधपुर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो एकेडमिक प्रोग्राम पूछेगा, कौन से एकेडमिक प्रोग्राम के लिए, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, और फिर सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करते ही गाइस, आपके सामने जो आपका जो सीट अलॉटमेंट है, पूरा सीट अलॉटमेंट यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी से अपना सीट अलॉटमेंट चेक कर सकते, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जो है दोनों ही आसानी से यहाँ पे देख सकते हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे आपको अलॉटमेंट के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप अलॉटमेंट के लिए वहाँ पे क्लिक करेंगे अलॉटमेंट के लिंक पे, तो गाइस आप लोगों के सामने जो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आकर सिंपली आपको यहाँ पे नीचे व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 3 पे क्लिक कर देना होगा। उस पर क्लिक करते आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों से जो है जीमेल का एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर कर देना है, जो पासवर्ड आपने सेट किया था रजिस्ट्रेशन पे वो सेट करना है, नीचे जो सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रही है वो पिन सिंपली आपको यहाँ एंटर करके लॉगिन पे क्लिक कर देना होगा, और लॉगिन करके आप आसानी से अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप कि अभी आप लोगों को जॉइंट सीट अलॉकेशन अथॉरिटी यानी कि जोसा थर्ड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो चेक करने में कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से चेक कर पाएंगे। और अगर फिर भी कोई भी इशू फेस हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई और वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।